टीकमगढ़ जिले में आज 5 माह 22 दिन के पश्चात रेल सेवा प्रारंभ की गई। टीकमगढ़ शहर के रेलवे स्टेशन पर रात्रि 9 बजे खजुराहो से कुरुक्षेत्र को जाने वाली ट्रेन का शुभारंभ किया गया। टीकमगढ़ स्टेशन पर ट्रेन के आते ही लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। टीकमगढ़ शहर के लोग दिल्ली यात्रा करने का सपना आज पूरा हो गया। खजुराहो कुरुक्षेत्र ट्रेन को देखने के लिए सुबह शाम 8 बजे से स्टेशन पर लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी थी। लोगों के चेहरों पर एक अलग सा उत्साह नजर आ रहा था। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचकर खजुराहो से आने वाली ट्रेन का फूलमाला से स्वागत किया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। हम आज टीकमगढ़ से नई दिल्ली जा रहे हैं और ये हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मोदी सरकार ने ये जो किया है इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सुविधाएं मिलेंगी और डायरेक्ट दिल्ली से जो टीकमगढ़ को जोड़ दिया है इससे बुंदेलखंड में एक नई प्रगति और एक उन्नति बढ़ेगी। हर एक क्षेत्र में हम लोगों को आने जाने के लिए जो परेशानी होती थी वो सब दूर हो गई है, ये बहुत अच्छी सौगात है। क्या नाम आपका? हमारा नाम संजीव तिवारी है और मैं न्यू दिल्ली में जॉब करता हूँ, तो हमें आने जाने में जो भी परेशानियाँ होती थी वो भी अब दूर हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले टीकमगढ़ की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रेल मंत्री जी और हमारे लोकप्रिय सांसद जी इन सबको हृदय से धन्यवाद। टीकमगढ़ के लिए एक नई जीवन रेखा आज शुरुआत हो रही है। अप्रैल में चालू होना थी लेकिन देर आई दुरुस्त आई। हम सब व्यापारीगण, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी बंधु, हमारे विद्यार्थीगण और मजदूर वर्ग, ये सभी दिल से खुश हैं। आज टीकमगढ़ खुश है, पूरे जिले के लिए बड़ी सौगात मिली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।